कैसे बिना दवाई बुखार को करें ठीक, जानिए आचार्य मुनि जी से। आपको पता है जानवर बीमार पड़ता तो क्या करता है, कुछ आइडिया? अंजी आपको कोई आइडिया, जानवर बीमार पड़ता तो क्या करता है? क्या करना बंद कर देता है? मुंह चलाना, मतलब खाना खाना बंद कर देता है। अब ये बताओ जानवर कौन से स्कूल में जाता है? किसी कॉलेज में जाता होगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? उसको कैसे पता बीमार होने पे खाना छोड़ना है? तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, स्कूल से हमें क्या करना चाहिए? जानवर बीमार होने पे खाना छोड़ता है, दो तीन दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हम बीमार होने पे क्या करते हैं, खिचड़ी खा ले, पीली दाल बना दो, दही थोड़ी सी ले लेता हूं। अरे भाई नहीं खाना खाना होता, बीमार पड़ने पर दो से तीन दिन के लिए खाना छोड़ना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, खाना खाते हैं तो बीमारी बड़ी हो जाती है। अब जानवर को कैसे पता लगता है कि बीमार होने पे खाना छोड़ना है? जैसे अभी कोरोना आया था, आप में से कितने लोगों को कोरोना हुआ था? 2-4-5 को हुआ था। जब कोरोना होता है तो आपका स्मेल चला जाता है, आपको पता था ना, स्मेल चला जाता है, टेस्ट चला जाता है। बुखार में भी क्या होता है, मुंह कड़वा हो जाता है। तो भगवान का इशारा क्या है, मुंह कड़वा क्यों किया भगवान ने? ए मानव मत खा, स्वाद छीन लेता भगवान आपका। भगवान के इशारे समझो, भगवान आपको, ये जो शरीर है ना, ये जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है, इसको हम इंटेलिजेंट मानते हैं कि दिमाग है हमारे पास। आपको सच बताऊं, ये जो गर्दन के नीचे वाला हिस्सा है, ये इसके मुकाबले सैकड़ों गुना ज्यादा इंटेलिजेंट है।